आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वैसे तो अभी क्रिकेट का फीवर चढ़ा हुआ है, जबरदस्त भारत का प्रदर्शन रहा है खेल में, रोहित शर्मा ने जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन हम इस एक घंटे में बात राजनीति के खेल की करेंगे। जी हां, हल्ला बोल में आज सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ये सोच रही है कि नेहरू के नाम पर वो मोदी को हराएगी? भारत के 15वें प्रधानमंत्री बनाम भारत के पहले प्रधानमंत्री। जी हां, सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन आज की राजनीति की हकीकत यही है। 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस का हथियार बनने जा रहे हैं। नेहरू की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को नेहरू की शपथ दिलाई गई और मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए जोश भरा गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति के इतने बड़े जनरेशन गैप में नेहरू के नाम पर मोदी से मुकाबला कर सकेगी कांग्रेस? उन व्यक्तियों का मुकाबला करेंगे जो नेहरू जी के दिए उदार भारत की इमारत को तहस नहस करना चाहते हैं। जहर फैलाया जा रहा है, नींव कमजोर की जा रही, सिर मुंडाते ओले पड़ना, कुछ इसी हालत से कांग्रेस इस वक्त गुजर रही है। पहले लोकसभा चुनाव में इतिहास की सबसे शर्मनाक हार झेलना और उसके बाद अपने ही नेताओं से अपनी पहचान खोने का खतरा। पहले महात्मा गांधी, फिर सरदार पटेल और अब जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री की 125वीं जयंती मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच छद्म युद्ध का मुद्दा बन गई है। पहले कांग्रेस ने नेहरू पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी को न्योता नहीं दिया, जबकि दुनिया भर के नेताओं को कांग्रेस ने कार्यक्रम में बुलाया। और आज नेहरू पर आयोजित पार्टी के कार्यक्रम को चुनावी रैली बना दिया। जो गुस्सा वाले लोग देश को चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को बंद करो, सिर्फ हिंदी होनी चाहिए। प्यार का असर बहुत दूर तक होता है और आज क्या हो रहा है? आज वही प्यार की नींव, भाईचारे की नींव को तोड़ा जा रहा है। यह देश हमारा घर है, एक तरफ घर की पुताई हो रही है, भैया सड़कों को साफ करो, सड़कों को साफ करो, फोटो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब लोग सड़क साफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जहर फैलाया जा रहा है, नींव कमजोर की जा रही है। और इनके खिलाफ एक ही संगठन लड़ सकता है, सिर्फ आप लोग लड़ सकते हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। राहुल के बाद लगे हाथ सोनिया ने भी बीजेपी का नाम लिए बिना हमला बोल दिया। जो ताकतें ये कर रही हैं, उनका निशाना केवल नेहरू जी के व्यक्तित्व के प्रति नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा, उनकी दृष्टि, उनके जीवन भर के संघर्षों, उपलब्धियों और योगदान पर भी है। जाहिर है बीजेपी इस हमले से कहां चुप रहती, सो जवाबी हमला भी। नेहरू नाम के सहारे कांग्रेस आज अपनी डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल उठता है जो जनता आज सिर्फ आगे बढ़ना चाहती है, सिर्फ विकास चाहती है, क्या वो सोनिया गांधी के सद्भावना वर्सेस सांप्रदायिकता के मंत्र पर डोलेगी या फिर इतिहास की बात कर रही कांग्रेस खुद इतिहास बनती चली जाएगी? कैमरामैन अजय ठाकुर और कुमार विक्रांत के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली, आज तक। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आलोक मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। लेकिन आज सबसे पहला सवाल आप ही से बनता है मीम अफजल साहब, और वो सवाल यही है जो हम पूछ रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। क्या नेहरू की लेगेसी को आप हथियार बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंग के लिए? इसीलिए इस तरह की सियासत, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, अपने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को, अलग अलग नेताओं को बुला रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पहले तो मैं ये कहूंगा कि अंजना जी, आपकी जो रिपोर्ट अभी पहले दिखाई गई वो बड़ी क्रिटिकल है हमारे लिए। खैर, कोई बात नहीं, आपका अपना सोचने का ढंग हो सकता है। पहली बात तो ये कि हम जो नेहरू के जन्म शताब्दी पर 125 वर्ष पर एक हम फंक्शन कर रहे हैं, पहली बात तो है कि हमने उसमें हम ख्याल लोगों को बुलाया है, जो लोग नेहरू के विचारों से जुड़े हुए लोग हैं हमने उनको दावत दी है। अब इस पे मेरी समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई एतराज़ है या मीडिया को एतराज़ है। अभी एक वाकया कुछ दिन पहले और हुआ था, उस वक्त मैं देश में नहीं था लेकिन मैं देख रहा था कि काफ़ी बड़ा उसको इशू बनाया गया कि ये मुद्दा चूंकि आप मीडिया की सोच पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं मीम अफजल जी, जो तो एक सेकंड सर, चूंकि आप मीडिया की भी सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर एक बुनियादी सवाल मुझे भी पूछना पड़ेगा कि क्या आप इस देश के प्रधानमंत्रियों को भी अब आप बांटेंगे और बताएंगे कि ये साहब इस पार्टी के थे इसलिए इनमें सिर्फ ये शामिल होंगे और ये प्रधानमंत्री इस पार्टी के थे इसलिए ये लोगों को परहेज पे रखा जाएगा, उनको हम नहीं बुलाएंगे? आप बांटेंगे इस देश के नेताओं को? नहीं, देखिए ऐसा है हाँ। कि इनके पास तो एक ही प्रधानमंत्री हैं, उसके अलावा तो कोई नहीं था। हमारे पास बहुत से प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक विचारधारा भी है, तो अगर हम उनकी विचारधारा को लेकर कुछ करते हैं और वो हमारी पार्टी के लोग थे, अगर उस पर हम करते हैं तो मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकल कोई पार्टी अपना एक प्रोग्राम कर रही है और अपनी विचारधारा को लेकर अगर आरएसएस अपनी विचारधारा को लेकर प्रोग्राम करे श्री गोलवलकर जी पर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर या दूसरे किसी लोग, तो क्या वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट को बुलाएंगे? क्या अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या वो उसे बुलाते? तो ये तो स्वाभाविक है, मैं समझता हूँ गैर जरूरी कंट्रोवर्सी है, हम इसको इसमें उलझना भी नहीं चाहते। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ी खुशी हो रही है और मैं समझता हूँ वो मोदी जी का कद को छोटा करने का अपने आप काम करते हैं कि हमें यहाँ क्यों नहीं बुलाया, हमें वहाँ क्यों नहीं बुलाया। अब जवाब अगर दे देंगे तो इनकी आग लग जाएगी फिर। संबित पात्रा जी, नहीं, हम आग बुझाने का काम करते हैं, हमारे तो में हमारा आग लगेगी। कहना ये है कि अच्छा बीच में भी बोलेंगे? नहीं, वो छोड़ दीजिए, वो तो हमें पता है, वो अच्छा, तो हमें पता है। आप मेरा भी उत्तर देंगे तो दे दीजिए, वरना मैं उत्तर दे देता हूँ। पूरे देश को पता है, उसकी तफसील में मत जाइए वरना यहाँ झगड़ा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, झगड़ा मैं नहीं करूंगा सर, मैं कभी शांति भंग नहीं करता हूँ। अगर मैं आपसे परमिशन मिला हो तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। बोलिए संबित जी, बोलिए। हाँ जरूर, इजाजत है जी। अंजना जी, आप देखिए आज एक बहुत दिलचस्प विषय हुआ है। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, कोई भी कांग्रेस के फंक्शन में जाने के लिए हम लोग बेताब नहीं हो रहे हैं, मगर एक इंग्लिश में एक वर्ड है, मैं उसका हिंदी वर्ड जानता नहीं हूँ, सैडिस्टिक प्लेजर। आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं से और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मसलन आनंद शर्मा जी से जब पूछा गया और मीडिया ने पूछा, कोई भाजपा ने नहीं पूछा कि क्या आपने प्रधानमंत्री को बुलाया है, तो उन्होंने जिस प्रकार से भुकुटी तान करके, जिस प्रकार से एक दंभ रे मुस्कुरा कर बोला नहीं बुलाया गया है। और सुबह से शाम तक कांग्रेस के नेता सैडिस्टिक प्लेजर डराइव कर रहे हैं कि देखा हमने बदला ले लिया, चुनाव आपने हमें हराया था ना, हमने बदला ले लिया प्रधानमंत्री को नहीं बुला के। ये बचकाना है, ये सैडिस्टिक प्लेजर दिखा के बदला नहीं लिया जाता है, परफॉर्मेंस से बदला लिया जाता है। मैं बीच में नहीं बोल रहा था सर, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मैं गलत बयानी करने पे, गलत बयानी करने पे आप मेरे बाद गलत बयानी करें। मैं आप रोकेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता को रोकेंगे? मैं एंकर से रिक्वेस्ट करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता को रोके। ठीक है मीम साहब, आपका सवाल सुन लिया उन्होंने, संबित जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं जल्दी से जवाब नहीं दूंगा, जितना समय मीम साहब को मिला उतने समय में जवाब दूंगा। आप देखिए जिस पार्टी के पास अपना भविष्य नहीं है, स्वाभाविक है कि वो अपने इतिहास पे इतराएगी, इतराना उनका अधिकार है। आज से 125 साल पहले क्या हुआ था उस पर आज कांग्रेस इतरा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी उससे संस्कारित होती है और अपने भविष्य को बनाने का काम कर रही है। हमारे पास भविष्य है मोदी और हमारे पास भविष्य है हमारा विचार। आज मीम अफजल जी क्या है ये देखिए, किस इतिहास पे आप इतना इतिहास पे नाच रहे हो? जंगे आजादी की लड़ाई में कुछ योगदान है तो जरा सा बता दीजिए ना। मीम साहब जंग आजादी की लड़ाई में, एक सेकंड मीम साहब, कितना बड़ा योगदान है गिनवा दीजिए ना यहाँ पर। मैंने पूरा टाइम देता हूं, इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं, टाइम लेने इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं। कुछ सवाल उठाए, ये सवाल अब राकेश सिन्हा जी के पास ले जाना चाहती हूं। राकेश सिन्हा जी, मैं चाहती हूं आप इसका जवाब दीजिए, मगर मैं ये पूछना, मैं राकेश जी चाहती हूं आप इसका जवाब दीजिए जो मुख्य बिंदु वो उठा रहे हैं, और इसके साथ ही क्या इस देश के नेताओं का बंटवारा होगा? हम कह रहे हैं कि संघ के, अगर एक सेकंड सर, फाइट में केवल कांग्रेस ने भाग लिया था, हमारे पूर्वज के ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, जिनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी वो केवल कांग्रेसी थे। हमारे पूर्वजों ने, संबित पात्रा के पूर्वज ने, राकेश सिन्हा जी के पूर्वज क्या ऑस्ट्रेलिया से आए हुए, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे हमारे पूर्वज। जो लोग लड़ रहे थे वो कौन थे? सोनिया जी इटली से आई हुई हैं, कभी आपने सोनिया जी से पूछा कि सोनिया जी के माता पिता और सोनिया जी के पूर्वज लड़ रहे थे क्या हिंदुस्तान के लिए? वो आपकी तवज्जो के मुंतज़िर जो बुनियादी सवाल है उस पर लौटते हैं, और इसीलिए राकेश जी आपसे वो सवाल जो मैंने शुरू में ही खड़ा किया, जो हम दर्शकों से भी पूछ रहे हैं कि क्या नेहरू के नाम पर मोदी से मुकाबला के लिए, क्योंकि जिस तरह से शपथ दिला स्वच्छता के लिए शपथ है, तो उधर नेहरू जी की बात की शपथ, वो मुकाबला देख रहे हैं क्या इसमें? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज राजनीति में सामान्य औपचारिकता और न्यूनतम शिष्टाचार लुप्त होता जा रहा है। इसका एक उदाहरण यह है कि कांग्रेस के लोग आज देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बताने के लिए तैयार नहीं है। एक जो न्यूनतम शिष्टाचार होने चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यदि ये लुप्त होगी तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोग स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को पार्टी का इतिहास बना देना चाहते हैं। पार्टी का इतिहास नहीं था। डॉक्टर हेडगेवार RSS के फाउंडर थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक पद से हटकर संघ के हजारों स्वयंसेवकों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सेदारी दिखाई। तो हम क्या उसका अलग से ढिंढोरा पीटे? कांग्रेस के लोगों ने भारत के साथ बहुत क्षति का काम किया है कि नेहरूवाद का जयकार करके। हम नेहरूवाद का जयकार नहीं करना चाहते हैं। आज उनकी जयंती है, जयंती में किसी व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, वो देश के एक फ्रीडम फाइटर रहे। लेकिन नेहरू की जो नीतियां थी उस पर हम विमर्श चाहते हैं। उनकी सामाजिक आर्थिक नीतियों का बहुत खामियाजा देश को भुगतना पड़ा, लेकिन आज वह अवसर नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि जय जयकार करने और सम्मान देने में एक बुनियादी फर्क होता है, और हमारी विचारधारा के लोग आज श्री गोलवलकर की बात करते हैं। एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 1948 में नेहरू जी ने संघ पर प्रतिबंध लगाया जो अनुचित था, अन्यायपूर्ण था, असंवैधानिक था और अनैतिकता का बहुत बड़ा मसाल था। लेकिन प्रतिबंध के हटते ही देश में फूड कैंपेन की आवश्यकता पड़ी। फूड सेक्रेटरी ने नेहरू से कहा संघ के सहयोग की जरूरत है। नेहरू ने संघ से सहयोग मांगा। श्री गोलवलकर ने बिना आहत हुए सहयोग दिया। यह दिखाया है श्री गोलवलकर ने, श्री नेहरू ने, कि विचारधारा से ऊपर देश होता है। राकेश जी, आपने जहां शुरू किया था सीमा से अलग होता है। राकेश जी, आपने जहां शुरू किया था वहां से आप विपरीत चले गए। आपने कहा कि एक शिष्टाचार होना चाहिए, प्रधानमंत्री हैं देश के, इसलिए उनका वहां पर स्वागत होना चाहिए। लेकिन आप खुद फिर बताने लगे कि किसकी क्या सोच है, किसकी क्या सोच है, और कहते हैं मीम अफजल साहब कि हम सिर्फ हम ख्याल लोगों को बुलाएंगे। तो हम ख्याल लोगों पर अगर बात अटकेगी तो फिर लाख बुराइयां संघ के नेताओं पर भी वो उठाएंगे और लाख बुराइयां आपको भी नेहरू जी में दिखेंगी। तो हम ख्याल तो सब लोकतंत्र में हो नहीं सकते ने। अंजना जी, उनकी विचारों पर विमर्श होना चाहिए। हम गुणगान नहीं करें, हम हीरो वर्शिप नहीं करें, विचारों पर विमर्श होना चाहिए लेकिन स्वस्थ तरीके से हो। नेहरू जी की नीतियां अच्छी थी, उनका जयकार होना चाहिए। जो नीतियां गलत थी, मैंने क्या कहा, फूड कैंपेन में गोलवलकर और गांधी हत्या का जो उठाया है, जो एक संकट था, उस संकट को उन्होंने मुद्दा नहीं बनाया। जो विषय आज का है उसमें ये सही है कि आज जो कार्यक्रम हुआ, एक तो ये कि जो आज का कार्यक्रम था वो पार्टी का था, ये माना जाए तो इसको हथियार, जो आपका विषय है कि हथियार नहीं बना सकते, उनके काम या उनके विचारों से ही आप उस एक वैचारिक लड़ाई यदि कहें तो उस तरह से उस विचार से जुड़े हुए लोगों का जो प्रभाव जैसा बढ़ाना चाहते हैं, जो बीजेपी भी कह रही है कि अपने विचार पर वो आगे चलना चाहती है। लेकिन मैं दूसरी बात कहूँगा कि देखिए, यदि एक भारत के पहले प्रधानमंत्री की 125वीं जयंती है, भारत सरकार ने कमेटी बनाई और प्रधानमंत्री ने भी उसका एक पुनर्गठन भी करके कुछ और मेंबर्स जोड़े हैं। कांग्रेस के 3 लोगों को उसमें डाला है, लेकिन पहले से भी कुछ मेंबर रहे हैं, लेकिन एमजी अकबर और दूसरे और लोगों को भी जोड़ा है, मतलब बीजेपी के लोगों को जोड़ा। मतलब वो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम तो सरकार भी अपने स्तर पर भी उस 125 वर्षगांठ पर बहस को कर सकती है। इसलिए किसी को इस पर कष्ट न कांग्रेस को होना चाहिए, बल्कि सही बात यह है कि इसको पार्टी का मुद्दा नहीं बना करके, और जो राकेश जी कह रहे हैं उससे सहमत हूँ, उनके विचारों पर बहस हो सकती है। तो खुद नेहरू भी इसके पक्षधर थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको हमारा माना जाए और नेहरू के नाम को खत्म करने के ये हमारे हैं, ये आपके हैं, ये उनके हैं, नहीं चलेगा। नहीं, ये भी नहीं है। ये स्वच्छता अभियान के नाम पर एक बना दीजिए। और दूसरा, सबसे मैं क्षमा चाहूँगा, संबित जी ये कहने लगे कि 125 साल पहले जो हुआ, ऐसी बात नहीं है। 125वीं जयंती का मतलब है कि उनका जो काम जो रहा है आधुनिक भारत का, उसके बारे में बहस करना चाहिए।